हेलो गाइस, वेलकम टू जेएन क्रिएशंस। आज हम आपको बताएंगे कि बैटरी बाइक और बैटरी कार कैसे चार्ज किया जाता है, इनको चार्ज करते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना होता है और कितने टाइम के लिए इसको चार्ज करनी पड़ती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जनरली आजकल सभी गाड़ियों और बाइक में 12 वोल्ट का चार्जर लगता है, तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें चार्जर कहाँ और कैसे लगाया जाता है। ये देखिए, ये इसका चार्जिंग पॉइंट है, पर यहाँ पे लगाओ चार्जर। एक मिनट, इसको खोलो पहले। हाँ, देखिए जब ये चार्जर हम बोर्ड पे लगाते हैं तो यहाँ पे देखिए अब ग्रीन लाइट आती है। हाँ, इसमें लगाओ। और जैसे ही हम इसको प्लग इन करते हैं बाइक पे, तो ये देखिए लाइट रेड में कन्वर्ट हो गई है। यहाँ पे रेड लाइट आ रही है, इसका मतलब है कि ये गाड़ी चार्ज हो रही है। जब भी आप इसको चार्ज पे लगाते हो, जैसे इसमें 2 6 वोल्ट की बैटरी है, तो इसको 5 से 6 घंटा इनफ है चार्जिंग के लिए, और आप इसको 6 घंटे बाद इसको चार्ज से निकाल सकते हो। आपको ये ध्यान रखना है कि इसको बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक चार्ज नहीं करना है। और जब इसकी बैटरी फुल चार्ज हो जाती है तो यहाँ पे जो लाइट रेड है ये ग्रीन हो जाती है। ठीक है, आइए अब हम देखते हैं कार को कैसे चार्ज करते हैं। देखिए बोर्ड में लगा हुआ है तो इसमें ग्रीन लाइट आ रही है। जनरली आज के टाइम में जो कार से उसमें कार में सीट के यहाँ पे चार्जिंग पॉइंट आता है, उधर से इधर आ जाओ पार्थ, इधर से लगाओ, इधर से। हाँ बस, देखिए ये चार्जर पॉइंट लगाया हमने और ये यहाँ पे रेड लाइट आ गई है। रेड लाइट आते ही मतलब समझिए कि ये चार्ज हो रही है। ये इंडिकेशन इसका है कि ये गाड़ी चार्ज हो रही है। और जब भी आप चार्ज पे लगाए, इसको 6 आवर्स के लिए चार्ज पे लगाना है। और जब भी आप चार्ज पे लगाओगे गाड़ी, तो गाड़ी ऑन नहीं होगी, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। अगर आप ये चार्जर खरीदना चाहते हैं तो लिंक में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप करके ये चार्जर मंगवा सकते हैं। थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।